अभी बजाएगा ना भिड़ो। आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बर्तन धोए जा रहे हैं, मैं आपसे बाद में आके सलाम करता हूँ, जरा मैं इनसे पूछ लूँ। जंती तेरी स्कूल नहीं गई? स्कूल नहीं गई? स्कूल नहीं गई? स्कूल स्कूल क्यों नहीं गई? हाँ जी, आप स्कूल नहीं गए? आप ही नहीं की तो आपने भी छुट्टी कर ली? मैं इनसी तरह मम्मा से पूछ लो क्यों नहीं कहाँ गई थी? फिर झूठ। ये देखिए। हेलो मैडम, छुट्टी कर लेनी चाहिए कितने दिन? तो हफ्ते में एक वैसे छुट्टी होती है, दो ये मान लेती है। गवर्नमेंट की छुट्टियां कुछ माँ की तरफ से छुट्टियां भी होनी चाहिए। यार तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए छुट्टी हो गई। हालांकि ये देखिए लंच बॉक्स सब कुछ यहाँ बाहर रखा, रेडी करके रखा है। चलो यार सुबह चीजें मिल नहीं रही होती, भागा दौड़ी पड़ी है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों यहाँ को ले। बर्तन धो ले जल्दी से। मम्मा ने सही कहा। क्या सही कहा? मम्मा ने खुद ही छुट्टी कराई है। हाँ मम्मा ने छुट्टी कराई है, मम्मा पे डाल दो। अच्छा जी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे। कल हमने वीडियो लगाई थी कि हम स्कूल कह रहा हूँ, स्कूल क्यों बेच रहे हैं हम? हम घर क्यों बेच रहे हैं? तो घर बेचने की वजह आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो वो इससे पहले एक वीडियो लगाई थी मशीन के बारे में, मशीनों के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो उसके बारे में भी आज कुछ जवाब इस वीडियो में होंगे, मगर उसकी तफसील से वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। इसके बाद जो वीडियो होगी वो सारी मशीनों पे तफसील के साथ वीडियो होगी, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी ये वीडियो भी देखें और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फारिग हो जाओ जनाब, बस अभी इतने से रह गए, अब धो के फारिग होना है ना। बस जल्दी करो, जीने ऐसे करूंगी तो धो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी हो जाओ जनाब फारिग। हो गया, यकीन करें किचन में एक दफा घुस जाए। ये देखें टाइम क्या हुआ, क्या हुआ, 11:30 हो गए। ये गुड मॉर्निंग अभी चल रही है, 11:30 हो गए। किसका कसूर है? किसका कसूर? आप लेट उठे हैं घर नाश्ता बनाते करते, अभी तो सिर्फ किचन साफ किया है। अभी तो जन्ना था उसको मैंने बोला थोड़ा काम करो, सफाई कर दो, उसके बाद आपके पापा हमें ले जाएंगे घुमाने फिराने। ऐसे ही क्या ऐसे ही है। अच्छा जी वो देखें, जेशाल लाइट बंद कर रही है, लाइट बंद कर रहे हैं ताकि भी बैठे गपशप न रहे। अच्छा फैमिली आ जाए बैठे, और आपको हम बताते हैं जनाब कि घर क्यों सेव कर रहे हैं। घर सही पूछे ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता है, लेकिन मजबूरी है कि करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, क्या नहीं मजबूरी है, क्या बताऊँ आपको? तो ये फार साहब जो है ना, ये बात मानते नहीं है। इस बात से मेरी इनसे अक्सर उर्दू मैं होती है कि जब मैं कहती हूँ तो ये कहते नहीं करना है, ऐसे ही करना है। कर ले जी जना, बेचे घर एक अच्छी सोसाइटी में जाकर अच्छा मतलब माहौल मिलेगा। लेकिन ये भी है मतलब मैं जब बचपन से इधर रहती हूँ, बचपन से आप रहते हो, और यकीन करें हमने ईंटे अपने खून पसीने से समझ लें, इसमें हमारा खून पसीना ही लगा हुआ है, ऐसा ही है ना। हाँ जी ऐसे ही है, माशाल्लाह से ये छोटी हैं, हमारी तीनों बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए माशाल्लाह, बढ़िया इनका बचपन यहीं पर। लेकिन मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है, वो ये है कि अब बच्चे खासतौर पर बेटे जो माशाल्लाह बड़े हो गए तो उनके जॉब का मसला होता है। अब वो ज़रा होते हैं तंग, वो भी बोलते हैं मम्मा हमारी जॉब का मसला हो जाता है, हमें बहुत दूर पड़ जाता है। रोज 25-30 किलोमीटर सफ़र करके ये जाते हैं और आते हैं, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा, ठीक है। वो इससे अच्छा है जनाब ये हम घर को शिफ्ट, काश इसको पहिए लग सकते ना। घर हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, हमें दिली तौर पसंद है। इसका जो नक्शा है वो खुद हमने अपनी पसंद से बनाया किया, सारा घर बहुत
बहुत हमें पसंद है, लेकिन मुसीबत हुई कि दूर पड़ता है। चले आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला कि हमारे लिए अल्लाह को अच्छा नेक सबब बनाए। वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी और भी वो बहन भाई होंगे और आप फैमिली भी इंशाल्लाह हमारे साथ है ना, हमारा दिल जरूर इंशाल्लाह। और हमारे लिए बस दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक जो हमारे हक में बेहतर है ना, अल्लाह पाक वो करें, पाक जो है वो अता करें। तो अब हम चलते हैं शहर के लिए। शहर के लिए नहीं, वो गमलों को पानी दिया था सुबह? हाँ जी, हाँ जी। किसने दिया था? और सो क्या उठ रही है? मैं यार पहले गमलों को पानी दे गया है, ठीक है आप एक मिनट आया। देखिए जी मेरे गमले, ये तो शुक्र है कल बारिश आज फुल धूप निकली हुई, कल बारिश हो गई थी ना, ये गमले जो मेरे बेचारे धूप पे बड़े होते हैं ना उनका ज्यादा मसला होता है, इन्हें दो दो टाइम पानी देना पड़ता है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह छांव पे होते हैं, एक टाइम भी उन्हें पानी मिल जाए ना तो जबरदस्त हो जाते हैं। होटल से पानी लगाता हूँ, पानी लग गया और चलते हैं फिर नीचे ईशान जन्नत का वास्ता। छोड़ दो मोबाइलों की जान, आप इंतजार कर रहे थे मम्मी पापा मेरे वो ही नहीं लेके जा पाए। किधर नहीं लेके जा रहा? घुमाने हैं, घुमाने घुमाने। अब छुट्टियां खत्म हो गई, आज मैंने भी काम पे जाना है। बहुत गर्मी है। संडे को चलेंगे ठीक है, संडे को चलेंगे जी हम। संडे को हमारा कौन सा व्लॉग आएगा, कौन से पार्क का? जल्दी बोलो जल्दो पार्क का। चले जी किसी अच्छे से पार्क में मैं अपनी बेटियों को घुमाने लेके जाऊंगा, ठीक है जी। किधर? एलडी ग्राउंड जी नहीं एलडी नहीं, किसी अच्छे पार्क में चलेंगे संडे को। ओके जन इशार, आज तो बहुत गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी। चलो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, इशार किधर गई थी? माशाल्लाह जी सिपारा बनने वाली हो, माशाल्लाह क्या करने लगी हो? नमाज पढ़ने लगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वजू है, पढ़ लो नमाज। काश के इतने नेक हम भी होते जी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती है जी। आपने पढ़ लिया नमाज? शर्म कराओ, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा है तुझे, माँ पढ़ती है तो बेटियां पढ़ती है, बाप पढ़ता नहीं। बेटे हैं, बेटे तो माशाल्लाह मेरे पढ़ते हैं, सुस्ती करते हैं पर ये कि रखे तान के कड़े तो माशाल्लाह पढ़ लेते हैं, बस बाप के काम के। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जनाब ये चल रहा है लंच टाइम, ब्रेकफास्ट हजम हो गया शायद, और ठंडा नान पकौड़े मेरे लिए नहीं, शाल मेरे लिए नहीं लाए? मम्मा ने कहा था नहीं लाना। ये हो सकता है वैसे फैमिली क्यों जन्नत नान पकौड़े कोई ना करे? पापा तो सारी नहीं उठा रहे, पापा को तो लगता है इंतहा की भूख लगी हुई है। अच्छा जी जनाब इशफाक साहब खा लें और फिर चलते हैं ऊपर, क्योंकि कुछ बहन भाई जो बल्कि एक बहन ज़्यादातर वो हैं वो बोल रही थी जी कि हमें पैर स्पेशल दिखाया तो था लेकिन उनको सही समझ नहीं आई, तो आप ये खा लें फिर चलते हैं ऊपर और जाके थोड़ी सी वो पैर को क्लोज करके दिखाते हैं, ठीक है जी? तो आप खाएं और फिर चलते हैं ऊपर जी। तो जनाब आ गए हम ऊपर और मेरे बहन ने पूछा था इतने कि भाई जनाब हमें पैर दिखाया जाए, वैसे तो ये रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की है उसमें हमने दिखाया था लेकिन आई थिंक सो कि उनको देख सही नहीं नज़र आ रहा था, तो हमने कहा चलो दोबारा दिखा देते हैं। ये देखें जनाब ये इस शेप का पैर है,
ठीक है, जैसे सिंपल होता है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये इतना सा छोटा सा एक्स्ट्रा ये पाइप लगाया हुआ, बस बाकी वही सिंपल यहाँ तक पैर होता है, बाकी ये वाला थोड़ी सी चीज़ यार साथ लगाते हैं, इससे फिर ये डोरी गुजरती है तो वो इजीली अंदर चलती रहती है, हाथ रख के पकड़ के ऐसे नहीं करनी पड़ती है। तो ये पैर है, इसके अलावा और भी बाकी बहुत से सवाल हैं और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में जो कोई क्वेश्चन रह जाता है, जो नहीं किसी का आंसर दे सके, तो हर वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे अपनी, यानी इस व्लॉगिंग के साथ साथ अपना ये कारोबार का जो सिलसिला है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी मज़ीद सवालात के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।